खाने हैं, लेकिन आपको पता है क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, कब नहीं सोना है, कब नहीं नहाना है, नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक हेडफोन नहीं लगाया है तो जल्दी से हेडफोन लगा लो, बातें कड़वी होगी, तीखी होगी, बिल्कुल सत्य हो। जो अपनी गर्लफ्रेंड से अपने बॉयफ्रेंड से देर रात तक बातें करते हैं, देर रात बातें होने के बाद हमें भी पता है क्या होता है। अगर किसी सुबह सुबह अगर आपको नाइट फॉल हो जाता है, उसके बाद जब आप ग्राउंड जाते हो तो बॉडी एकदम लूज सा लगता है, बिल्कुल मन चिड़चिड़ा लगता है, खाना बंद करो। आप जितना ज़्यादा खट्टा खाओगे ना पीरियड्स के दौरान आपकी ब्लीडिंग। SSCGT 2024 के फिजिकल के लिए ये सवाल तो बार बार आ रहे हैं कि भैया हमें क्या खाना है, क्या खाना है, चने खाना है, काजू खाना है, बादाम खाना है, अखरोट खाने हैं, किशमिश खाने हैं, दूध खाने हैं, घी खाने हैं, केले खाने हैं, सभी डाइट के पीछे पड़े हैं कि क्या खा लें क्या खा लें। बट ये सवाल कोई नहीं बोल रहा है, एक सवाल कोई नहीं कर रहा है कि भैया हमें क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि मेरे दोस्त, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मुश्किल से 35 से 40 दिनों का समय है, तो इन दिनों में आपको एक साधक की तरह रहना होगा, एक सन्यासी की तरह जीवन बिताना होगा, ढेर सारे चीज़ों को अवॉइड करना होगा, ढेर सारी चीज़ों से दूर रहना होगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों को नहीं खाना है। ये तो सारे वीडियो जाते हैं कि क्या खाने हैं क्या खाने हैं, लेकिन आपको पता है क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, कब नहीं सोना है, कब नहीं नहाना है। तो चलो आज के इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नीचे दिख रहे काले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। पूरी दुनिया पीछे पड़ी है कि क्या खाना है क्या खाना है क्या खाना। अरे भाई कोई तो पूछ लो क्या नहीं खाना है, भैया क्या करना है, कोई तो पूछ लो क्या नहीं करना है, भैया कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाना है, कौन सा स्टेप लेना है, कैसे रनिंग करनी है, ग्राउंड की पूरी स्ट्रेटेजी बता दो। बट ये नहीं कोई बोल रहे हैं कि हमें गलती कहाँ नहीं करनी, हमें गलती नहीं करनी है, कहाँ गलती नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक हेडफोन नहीं लगाया है तो जल्दी से हेडफोन लगा लो, बातें कड़वी होगी, तीखी होगी, बिल्कुल सत्य होगी। हमें चीनी की तरह मस्का लगा के आपसे व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं लेने हैं, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल कड़वी बात बोलूँगा, इसलिए हेडफोन लगा कर ही देखना। हमारे सारे शेर शेरनियों का एक ही सवाल आ रहा है कि भैया क्या खाना है, भैया क्या खाना है। मेरे दोस्त, आपके पास बहुत कम समय बचा है, इन कम समय में आपको बहुत सारी जानकारियां लेनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जो आप ये मोबाइल चला रहे हो, इस मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि जितना देर रात तक आप मोबाइल के स्क्रीन के डिस्प्ले को देखोगे, जितना ज़्यादा आप इंस्टाग्राम चलाओगे, जितना ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे, जितना ज़्यादा फेसबुक को देखोगे, आपके बॉडी का उतना ही ज़्यादा हरासमेंट होगा। वीडियोस देखो, उतना ही देखो जो जानकारी के लायक हो, ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना है, फेसबुक इंस्टाग्राम से दूर रहना है। अब आपको लग रहा होगा कि भैया मोबाइल से क्या होगा, मेरे दोस्त 5 दिन तो मोबाइल को कम यूज करके देखो, देखो आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी। दूसरी बात, जो लड़के गर्लफ्रेंड तो सबको है, बॉयफ्रेंड तो सबको है, जो अपनी गर्लफ्रेंड से अपने बॉयफ्रेंड से देर रात तक बातें करते हैं, देर रात बातें होने के बाद हमें भी पता है क्या होता है। क्योंकि जो आपका उम्र है ना, वही मेरा उम्र है, आप बड़े बुजुर्गों से छुपा लेना लेकिन मुझसे मत छुपाना। तो अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ कि मैं आपसे 9 बजे रात के बाद ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बात करोगे आपकी बॉडी की उतनी ज़्यादा हरासमेंट होगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो सुबह आपका बॉडी ट्यूनअप नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, क्योंकि यहां सबको नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, खुशनसीब है वो जिनको है मिला ये बाहर जिंदगी में। प्यार करना है, लेकिन फिलहाल अभी अपने प्यार को कहना है, समझाना है कि देखो कुछ दिनों तक हम आपसे बातें नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कम बातें करेंगे, एक बार फिजिकल हो जाने दो, उसके बाद रात दिन लगे रहना, मैं एक बार भी मना नहीं करूंगा, एक बार भी नहीं, दिन रात बात करना। उसके बाद जो हमारे लड़के हैं वो जो बाथरूम वाली गलतियां करते हैं ना, वो बाथरूम वाली गलतियों को करना बंद करो, क्योंकि हमारा जो स्पर्म होता है ना, हमारा जो वाइट ब्लड होता है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हाँ, नाइट फॉल हो जाता है, नाइट फॉल के माध्यम से आपका स्पर्म निकल जाता है, तो वो अलग बात है, लेकिन आप खुद से उसे डिस्ट्रॉय मत करो। मेरे दोस्त, 5 से 7 दिन आप बाथरूम वाली हरकत को छोड़ दो, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना छोड़ दो, देखना आपके अंदर कितनी ताकत बनेगी। क्योंकि हमारी जो वाइट ब्लड होती है ना, आपने भी एक कहावत सुनी होगी कि 100 ब्लड के बूंद के बाद एक बूंद बनता है स्पर्म का, तो सोचो वो हमारे लिए वो वाइट ब्लड कितना ज़्यादा ताकतवर होता है। तो जितना ज़्यादा अपने बॉडी के अंदर के स्पर्म को बचाओगे और पसीना निकालोगे, आपका स्टेमिना उतना बढ़ेगा, आपका ताकत उतना बढ़ेगा, और आप देखना
उठना, 5 से 7 दिनों के अंदर आपकी टाइमिंग कितनी कम हो जाएगी। आप अक्सर देखते होंगे अगर किसी सुबह सुबह अगर आपको नाइट फॉल हो जाता है, उसके बाद जब आप ग्राउंड जाते हो तो बॉडी एकदम लूज सा लगता है, बिल्कुल मन चिड़चिड़ा लगता है, ग्राउंड में दौड़ने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि जब स्पर्म हमारा डिस्ट्रॉय होता है, डिस्चार्ज होता है, तो हमारे बॉडी की ढेर सारी एनर्जी निकल जाती है। अब जो मार्केट के खाना खाते हैं, खास करके आपके समोसे हो गए, गोलगप्पे हो गए, जलेबियाँ हो गई, चाट हो गए, बिस्किट हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गए, या कोई किसी प्रकार का नशा कर रहा है, बियर ले रहा है, वाइन ले रहा है, या कोई खैनी खा रहा है, या कोई बीड़ी या गांजा पी रहा है, तो देखो जो नशा वाले हैं, खास करके खैनी वाले, वो तो भैया खैनी छोड़ नहीं सकते, वो तो खाएंगे ही। लेकिन ये जो मार्केट का खाना है ना, मैदा से बना हुआ जितना भी आपके डाइट्स हैं, चाहे वो आपके जलेबी हो या समोसे हो या चाट हो, और खास करके हमारी लड़कियां पानी पूरी, आप खट्टा खाना बंद करो। आप जितना ज़्यादा खट्टा खाओगे ना, पीरियड्स के दौरान आपकी ब्लीडिंग उतना ज़्यादा होगी, और आपको लगता है ना कि पीरियड्स हमारे लिए मायने नहीं रखता है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आपको फ़िलहाल जब तक फिजिकल आपका नहीं हो जाता है, तब तक आपको खट्टा नहीं खाना है। और मेरी शेरनियों आप दोनों के लिए ये है कि मैदे से बना हुआ खाना, खास करके मार्केट का खाना, तो बिल्कुल भी मत खाओ। आप 10 दिन मार्केट के जो भी भोजन है उसे अवॉइड करके देखो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। आप जो गोलगप्पे खाते हो उसके अंदर जो पानी डाला जाता है वो बहुत खतरनाक होता है। आप जो जलेबी खाते हो जिस मैदे से बनता है उसे 2-3 दिन पहले मिला लिया जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जो समोसा तेल के अंदर तला भुना रहता है वो हमारे लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और यही कारण है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपकी टाइमिंग कम नहीं हो रही है। यही कारण है कि पहला तो गर्लफ्रेंड से देर रात बात करना, दूसरा बाथरूम वाली गलती करना, तीसरा ये तला भुना खाना, मार्केट के समोसे जलेबियों को खाना, गोलगप्पे को खाना, लड़कियों का खट्टा खाना, अचार खाना, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ज़्यादा दिन मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि पूरे साल के लिए त्याग दो, बस आपका जब तक फिजिकल नहीं हुआ है तब तक इन चीज़ों से दूर रहो। क्योंकि आपको लगता है ना कि ये चटपटे भोजन हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक हैं, आपके बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। जब कमेंट बॉक्स में बंदे आकर बोल रहे हैं कि भैया मैं 10 दिनों से फिजिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 26 मिनट से कम नहीं हो पा रहा है, उसका एक ही कारण है, बाथरूम वाली गलती करना, गर्लफ्रेंड से देर रात बातें करना, मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा चलाना, और मार्केट के खाना को ज़्यादा से ज़्यादा खाना। अपने घर के खाना खाओ, सुबह सुबह चना फुला लो, चना खा लो, दोपहर में रोटी दाल खा लो, रात में रोटी दूध रोटी सब्जी खा लो, हरी साग सब्जियों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप गाँव में रहते हो तो आपको पालक हो गया, बत्थू हो गया, या फिर मेथी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा साग अगर मिल रहा है उसको अपने डाइट में शामिल करो, मतलब पत्तीदार सब्जियों को शामिल करो, और ज़्यादा तले भुने भोजन को अवॉइड करो। ज़्यादा दिनों की बात नहीं है मेरे दोस्त, 15 जून तक, सिर्फ 15 जून तक ये सब आप छोड़ दो, आप देखना आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यही वजह है जब तक मैंने जो बोला है ना, इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपकी टाइमिंग कम नहीं होगी। मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, कभी भी ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि ये मोबाइल का जो डिस्प्ले है ना, हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, अपनी गर्लफ्रेंड से देर रात बातें नहीं करनी है, उनसे नहीं मिलना है। अगर आप उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाते हो तो इन चीज़ों से दूरी बनाना है जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता है। तीसरी बात, जो हमारे लड़के हैं जो बाथरूम वाली गलतियां करते हैं, जो स्पर्म डिस्चार्ज करते हैं, अपने स्पर्म को डिस्चार्ज नहीं करना है, क्योंकि वो स्पर्म हमारे लिए सबसे बड़ा ताकत होता है। चौथा बात, जो हमारी लड़कियाँ हैं खट्टे सामान खाती है, गोलगप्पे खाती है, पानी पूरी खाती है, चाट खाती है, नहीं खाना। हमारे जो लड़के हैं जो नशा कर रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, उनको ये सब नहीं खाना है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों से दूर नहीं रहोगे, जब तक इन चीज़ों से दूरियां नहीं बनाओगे, तब तक आपके टाइमिंग में कमी नहीं आ पाएगी। एक बार 4 से 5 दिनों तक आप इन चीज़ों से दूरियां बनाकर रखो, देखो कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन आपके लिए स्पेशल वीडियोज आएंगे, जो हमारे लड़के हैं उनके बाथरूम वाली गलती पर हंसना नहीं है, हेडफोन लगाकर वीडियो देखना, स्पर्म पर वीडियो जाएंगे, जो भी आपके समोसे हैं जलेबियां हैं या चाट हैं हमारे लिए कितना खतरनाक है उस पर वीडियो जाएंगे। हर टॉपिक्स पर मैं 2-3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा कवर कर लूँगा कि क्या क्या चीज़ें नहीं खाना है और क्या क्या चीज़ें खाना है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। इंस्टाग्राम आईडी है 0KM1, वहाँ पर आकर DM करो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।